सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जैसे आप जानते हैं कि इस पूरे महीने लव एंड रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड टुडे जो हमारा टॉपिक है, बहुत खूबसूरत टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूविंग बियॉन्ड हर्ट एंड रिफ्लेक्टिंग गॉड्स अनकंडीशनल लव इन आवर रिलेशनशिप्स। यस फ्रेंड्स, अक्सर जब हमें रिश्तों में चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हम सिर्फ अपनी चोट के बारे में ही सोचते हैं। वी आर नॉट एबल टू लुक बियॉन्ड आवर हर्ट, है ना। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है, और हमें परमेश्वर का प्रेम तब भी दिखाना है जब हम खुद टूटे हुए होते हैं। बिल्कुल, अगर आप अंदर से जख्मी भी क्यों ना हो, जितने भी चोट खाए हो, फिर भी एक आशा है, एक उम्मीद है, और उसके परे भी आप देखिए, क्योंकि एक परमेश्वर है जो हमें आशा और उम्मीद देता है। उम्मीद करते कि ये एपिसोड आपको वो आशा और उम्मीद दे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आज आप अपने जीवन में आशा और उम्मीद पाएंगे, परमेश्वर से आशा और उम्मीद पाएंगे। आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करें हमें खूबसूरत गीत के साथ, जो हमारे लिए गा रही है बेथलहम सीएनआई चर्च की कॉय, और ये गीत है सेवा में सेवा में। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं।
फ्रेंड्स, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जो भी हम कर सकें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा में, हर कुछ, जो भी कदम, जो भी मौके हमें परमेश्वर देता है, हमें उसका फ़ायदा उठाना है और हमें हर मौके को परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल मिलाना है। बिल्कुल सही, कभी पीछे मत हटिए और परमेश्वर की सेवा में आगे लगे रहिए, क्योंकि जीवन एक ही है और इसी जीवन में हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। आइए दोस्तों, आज की कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं ललिता समारिया से, जिनके जीवन में बिगड़े हुए रिश्ते बने, पर कैसे? आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके जीवन की ये सच्ची कहानी। अजमेर में ललिता समारिया एक कलीसिया को संभालती है। इस काम में उनके पति भी उनका साथ देते हैं, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब दोनों के विचार अलग थे। मेरी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं, अशांति, पारिवारिक क्लेश, काफी कुछ बातें ऐसी थी, और ये सब बातें होने का एक कारण था कि मेरी शादी बचपन में हो गई थी, बाल विवाह हो गया था मेरा। तो जब मेरे हस्बैंड का जॉब लगा और मैंने 11th क्लास किया, उसके बाद मैं हम लोग 91 में हम लोग साथ रहने लगे। उस दौरान ललिता के हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और वो मुंबई शिफ्ट हो गए। वहाँ एक सिस्टर थी जो कि दुआ प्रार्थना करती थी प्रभु यीशु मसीह से, और वो ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मेरे दोनों बच्चे बड़े वाले उनके पास ट्यूशन जाते थे। ललिता ने भी परमेश्वर को स्कूल के समय में जाना था। तो एक बार मैंने उनको बोला, आप मेरे परिवार के लिए भी प्रेयर करो, तो उन्होंने बोला अचंबा करके, क्या आप प्रेयर में विश्वास करते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मैं स्टडी लाइफ में प्रेयर अटेंड भी करती थी, तब से मेरा प्रेयर लाइफ उधर से शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे इनको भी मालूम पड़ा कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, प्रेयर करती हूँ। ललिता के हस्बैंड उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए मना करते थे। ललिता बाइबल में क्या पढ़ती है ये जानने के लिए वो खुद भी बाइबल स्टडी करने लगे, और मैं ये भी दुआ करती थी, ये भी प्रेयर करती थी मेरे हस्बैंड के लिए कि प्रभु जी आप उनसे भी बात कीजिए, वो भी आपके प्रेम को जाने, और उनको भी महसूस हो कि प्रभु यीशु मसीह ने ही इस परिवार को गिरवी परिस्थितियों से उठाया है। और मेरे हस्बैंड धीरे धीरे विश्वास में आने लगे, जब जब प्रेयर में जाते थे बहुत अद्भुत शांति को हम पाते थे, और अपने आप महसूस होने लग गया था कि कोई तो भी ऐसी शक्ति है कि मेरे परिवार के हालात को अब धीरे धीरे बदल रही है, और अद्भुत शांति रहने लगी, सब अच्छा रहने लगा। और ऐसा सब कुछ होते देखकर मेरे हस्बैंड अपने आप चेंज होने लगे। एक यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 आयत हमेशा मेरे कानों में गूंजता था, और प्रभु का वचन जो इस आयत में कहता है, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जब ये वचन बार बार मेरे कानों में आता था तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बात करता था कि अब तेरे परिवार के हालात सुधर जाना ही काफ़ी नहीं है, और तेरी जिंदगी में सब कुछ, तेरे ही परिवार में अच्छा हो जाना काफ़ी नहीं है। जिसके बाद ललिता परिवार के साथ अजमेर आ गई और टूटे हुए परिवारों में परमेश्वर का वचन देना शुरू किया। आज वो हर सुख दुख के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती है। एक तरफ हमारे जीवन में क्रूस भी होता है, हमको हमारे परीक्षा के लिए कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी आती रहती है, क्योंकि इस संसार के आंधी तूफानों से, दुखों से बढ़कर परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सब कुछ है। ललिता, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। यू नो, आपकी स्टोरी से हम सबको इंकरेजमेंट मिली है, और हमने देखा कि कैसे जब आप परमेश्वर के करीब आए, आपने प्रार्थना की, प्रार्थना में आपने समय बिताया, परमेश्वर के वचनों से आपको हौसला मिला, तो कैसे आपके टूटे हुए रिश्ते अपने आप ही जुड़ गए। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रार्थना में बड़ी ताकत है। ये आपने एक सच्ची कहानी देखी है, किस तरह प्रार्थना ने उनके जीवन को एक बार फिर मेंड किया, जोड़ा। वैसे ही प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि वो आपके जीवन में भी जो भी कुछ है, जो भी हर्ट है, जो भी अंदर से आप टूटे हुए हैं, या दुख है आपको, या लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, आप अंदर से रंजिश है आपको, वो प्रार्थना ही आपकी मदद कर सकती है। ओनली गॉड कैन हेल्प यू व्हेन यू प्रे एंड कॉल अपॉन हिम। एक और ऐसा शख्स था रिबेका बाइबल में, दर्शकों आप तो जानते हैं, उसका नाम है पतरस। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के जो पकड़ लिया उनको, और जब उनको कोड़े मारे गए, और कितना कुछ उन्होंने सहा हम जैसे गुनहगारों के लिए, तो वो पतरस भी पीछे पीछे चल रहा था।
और पतरस ने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत मारा जा रहा है और उन पे थूका जा रहा है, ठट्टे में उड़ाए जा रहे हैं, तो पीछे हो गया वो और वहां पे तीन दफा, हाँ आप सही सुन रहे हैं, तीन दफा पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करा। और जब उसने इनकार करा उसको याद आया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला था कि तू तीन दफा मेरा इनकार करेगा और फिर द कॉक विल क्रो, और वही हुआ, उसने तीन दफा इनकार किया, टूट गया अंदर से, ही वॉज ब्रोकन, रोया, बाइबल कहती ही बिटरली क्राइड, इतना रोया और बिल्कुल इतना शर्मिंदा था कि मैंने अपने मसीह, अपने परमेश्वर, अपने स्वामी को मैंने मैंने बिट्रे कर दिया और मैंने उसको अपने बिल्कुल भी मैंने उसको कबूल नहीं किया लोगों के सामने, इतना दुखी था, इतना रोया। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह मिले उसको, सारी रात उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ, फिर प्रभु ने कहा दूसरी तरफ आप अपने जाल डालो, तो बहुत पकड़ा और वहां पे जब वो आए साहिल के पास, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। पता है पतरस से ही बात करी, पतरस से बात करी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ के देखा था उस रात उसकी तरफ और उसका दिल टूट गया था। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है, इनसे बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तीन दफा प्रभु यीशु मसीह ने पूछा। और पतरस ने शर्मिंदा हो गया, पतरस उसने कहा आप जानते हो प्रभु, आप जानते हो। दोस्तों आज जितने भी दूर क्यों ना हो गए हो हम, जितने भी दूर क्यों ना हो हम, जितनी दफा हमने इनकार क्यों ना किया हो, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। दोस्तों ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, पहला यूहन्ना 4:19, हम प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। आपको पता है दर्शकों कि ये वर्ष क्या कहती हमें, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने हम गुनहगारों से प्रेम किया और अपनी जान सलीब पे दी और तीसरे दिन जी उठा। और आज वही प्रश्न जो पतरस को उसने पूछा वो आपसे पूछ रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। दोस्तों आज अपना जीवन, अपना दिल उसको दे दो, जितना भी हर्ट क्यों ना हो आपकी लाइफ में, जितनी भी परेशानी क्यों ना हो, जो भी हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह से अपना नाता जोड़ लेंगे ना, ही विल गिव यू दैट हीलिंग, वो आपको वो स्पेशल शिफा देगा आपकी लाइफ में और आपको एक नया मकसद, एक नई आशा, एक नई उम्मीद देगा जीने के लिए। गॉड ब्लेस यू। यस इंडीड फ्रेंड्स, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं प्रेम दिखाने के लिए, शायद किसी ने आपके साथ बुरा किया है या कोई रिश्ते हैं आपके जो टूट गए हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं, माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद करता है दोस्तों। साथ ही हम काउंसलिंग के साथ भी आपकी मदद करना चाहेंगे। अगर आप अपने इन चैलेंजेस के बीच काउंसलिंग पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चैट के द्वारा भी आप काउंसलिंग पा सकते हैं। और अब समय है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद दोस्तों आपके सवालों का हम जवाब देंगे कोई शक पे। सो स्टे विद अस, डोंट गो अवे। टू बुक योर काउंसलिंग सेशन नाउ फॉलो दीज 3 इजी स्टेप्स। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, क्लिक ऑन cbn ऑफरिंग्स। एंड स्टेप 3, स्क्रॉल अप टू बुक योर काउंसलिंग सेशंस। बच्चे के वोम में आने के साथ ही एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, द रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड हर चाइल्ड। और बच्चे के दिनों दिन वोम में बढ़ते रहने के साथ ही साथ माँ भी अपनी फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस में बड़ी होने लगती है। टू सी दिस रिलेशनशिप फ्लरिशिंग, जरूरी है इस रिश्ते की सुरक्षा शुरुआत से। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। और जब आपके बच्चे की किलकारी आपके आंगन में गूंजने लगे तो जरूरी है उनकी भी सही देखभाल, जैसे टीकाकरण, पोषण और बहुत सारा प्यार। चलिए हर माँ और बच्चे को अच्छी सेहत की सौगात दें। टू एंश्योर सुरक्षा शुरुआत से, कॉन्ट्रीब्यूट टू द मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कैंपेन एट डब्ल्यू 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 डॉट
cbnf.org and help us to do more. वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में, और हम जान रहे हैं कि जब हम खुद चोट खाए हुए होते हैं ऐसे समय में भी हम अपने रिश्तों में प्रेम दिखा सकते हैं। दर्शकों, कई सवाल होंगे आपके, तो आइए चलते हैं कोई शक में और आपके सवालों का जवाब देते हैं हम। दोस्तों, बड़ा अच्छा सवाल आपने हमसे पूछा है, और आज का ये पहला सवाल है कि हमें कितनी बार माफ करना चाहिए। अरे बड़ा अच्छा सवाल है, और यही सवाल प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने भी उनसे पूछा कि हमें कितनी दफा माफ करना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला 70 times 7। अरे 70 times 7, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। आप बोलो क्या नंबर है? हाँ, 7 × 7 × 7 × 7 आप करिए, इतना बड़ा नंबर है। इसका मतलब क्या है? अनगिनत टाइम आप लोगों को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु कहता है क्षमा करो क्योंकि मैंने भी तुम्हें क्षमा किया। मुश्किल है, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, पर परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप लोगों को क्षमा कर सके। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हमने जाना है दैट वी लव बिकॉज गॉड फर्स्ट लव्ड अस। इसी तरह परमेश्वर ने हमें माफ किया है, और हम भी परमेश्वर की मदद से आगे माफ करें। आइए देखें आज का दूसरा सवाल, और हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, मेरे पति घर की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाते, ऐसे में मुझे अपने बच्चों को कैसे सेफगार्ड करना चाहिए? ये तो अच्छी बात नहीं है कि अगर आपके जो हस्बैंड है, जो मैन ऑफ द हाउस है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, तो मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी तरह, जो भी चर्च या जो भी कलीसिया में आप जाते हैं, आप वहाँ के पासबान या वहाँ के एल्डर्स के साथ मिलकर आप उनको प्लीज़ काउंसिल कराइए और बड़े प्रेम से डील करिए। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप फास्टिंग और प्रेयर भी करें, क्योंकि फास्टिंग और प्रेयर में बहुत पावर है, और परमेश्वर आपके हस्बैंड के दिल में काम करेगा, ताकि वो भी अपने जिम्मेदारियों को एहसास करते हुए वो भी खड़ा होगा और अपनी फैमिली के लिए काम करेगा। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बहन, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, पर परमेश्वर खास अनुग्रह देगा और आपकी मदद करेगा कि आप एक क्राइस्ट लाइक एटीट्यूड दिखाते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने हस्बैंड को प्रभु के पास लेकर आए। जी बिल्कुल, और आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है, और अगर ऐसे ही सवाल आपके पास हैं और तो उन्हें अपने तक ना रखें, आप हमसे ज़रूर पूछें। हमारी कोशिश होती है कि परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। और साथ ही दोस्तों, अपने चैलेंजेस में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, या डायरेक्ट चैट के द्वारा भी आप काउंसलिंग पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, पर ब्रेक के बाद पास्टर राजविंदर हमारे साथ परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे और हमें कुछ प्रभु के बारे में बताएंगे। सो प्लीज स्टे विद अस, वी आर गोइंग टू कम बैक राइट नाउ। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। यू कैन स्टैंड इन दिस गैप एंड प्रे फॉर देम इन इंग्लिश, हिंदी और योर रीजनल लैंग्वेज। टू साइन अप एज अ प्रेयर लाइन वॉलंटियर, गो टू www.cbnindia.org, क्लिक ऑन कनेक्ट विद अस, इन द ड्रॉप डाउन रजिस्टर फॉर प्रेयर लाइन वॉलंटियर। रिमेंबर, प्रेयर कैन मूव द हैंड्स ऑफ वन हू मूव्स द यूनिवर्स। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट, एस्थर डेविड एजी चर्च कानपुर से, जो आप सबके साथ मिलकर प्रेयर करेंगे फैमिली एंड लव इन रिलेशनशिप्स के लिए। So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों, आज हम प्रोग्राम में ये जान रहे हैं कि जब आपके जीवन में आपने चोट खाई हो, कैसे परमेश्वर के प्रेम के वसीले से आप उसमें से उभर सकें या उसमें से बाहर निकल सकें।
जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी टॉपिक को आज हम वचन से देखेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे प्यार को चुन सकते हैं हमेशा, चाहे हम चोट खाए हुए क्यों ना हो। तो आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें पास्टर राजविंदर मसीह के साथ, जो बेथल चर्च अमृतसर से हैं। ये परमेश्वर का संदेश हमें सुनाएंगे, साथ ही इस संदेश को साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रही हैं शीतल। जय मसीह की दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने देखा था ईर्ष्या रिश्तों में क्यों उत्पन्न हो जाती है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर हमें प्रेम करता है, और क्यों प्रेम करता है? इसलिए प्रेम करता है कि परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है। रिश्ता क्यों रखना चाहता है? इसलिए रिश्ता रखना चाहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है, और अपना सांस जो है वो हमारे अंदर डाला हुआ है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारी और परमेश्वर के साथ हमारी संगत जो है वो हमेशा के लिए बनी रहे। परमेश्वर का प्रेम जो है वो इसी बात से प्रकट होता है कि जब हम अभी पापी ही थे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और ये लिखा है कि जब हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं है। जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे रोग, हमारी तमाम परेशानियां परमेश्वर ने अपने ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने ले ली। ये उसके प्रेम का सबूत है। और वो जैसे हमसे प्रेम करता है, वैसे ही वो चाहता है कि हम दूसरों के साथ प्रेम करें। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उस पर विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और ये चाहता है कि हम दूसरों के साथ प्रेम करें। क्यों प्रेम करें? क्योंकि इससे परमेश्वर का प्रेम सब लोगों पर प्रकट हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि आज बहुत सारे छोटे बच्चे जो हैं, वो अपने परिवार में सही प्रेम ना मिलने के कारण उनका जीवन जो है वो अताश हो जाता है, निराश हो जाता है। ऐसे ही नौजवान जो लोग हैं, वो प्यार कहीं और ढूंढते ढूंढते अपने जीवन को बर्बादी की कगार में ले जाते हैं। तो ऐसे जो जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते हैं, जो प्यार के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का प्यार हमेशा से, परमेश्वर उसको उनको प्यार करता है और उसे प्रेम में बुलाता है। जो प्रेम निस्वार्थ है, जो प्रेम निश्चल है, जो प्रेम आपके जीवन को सुवारता है। आप जब परमेश्वर के प्रेम में आ जाओगे, परमेश्वर आपके जीवन को सुवारेगा और अपने रिश्तों को मजबूत करेगा। इसलिए आप सबके लिए ये एक अच्छा समय है कि आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करो और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करो। सो इस पूरा महीना हमने बात करी प्रेम और रिश्तों के बारे में। सो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत सारी आशीष प्राप्त की। थैंक यू पास्टर राजविंदर एंड थैंक यू शीतल फॉर दिस वंडरफुल मैसेजेस जो आपने हमारे साथ बांटे। इट इज अ ब्लेसिंग। हम पूरे वसूक के साथ कह सकते हैं कि हर एक के लिए एक आशीष का बायस बने हैं ये मैसेजेस। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर ऐसे ही मैसेजेस को आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, तो आप CPN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पर इन मैसेजेस को आप सुन सकते हैं और इंकरेजमेंट पा सकते हैं। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें। ये बहुत अहम समय है इस एपिसोड का, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये मिलकर परमेश्वर के सामने विश्वास में होकर हम प्रार्थना करें, ताकि जो भी अंदर आपके चोट लगी है या जो भी हर्ट से आप जा रहे हैं, जो भी वट एवर पेन्स यू इनसाइड, गॉड में गिव यू दैट हीलिंग। खुदा आपको रिस्टोर करे, बहाल करे और आप पर दया करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी, जब कोई हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को,
हमारे जज्बातों को नहीं समझता, आप समझते हैं प्रभु। प्रभु जी, जब इंसान की मदद व्यर्थ हो जाती है तो प्रभु आप हमारी मदद करते हैं। यू आर द हेल्प ऑफ द हेल्पलेस। तो प्रभु जी, हम खास तौर से हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, प्रभु जी हम जानते तो नहीं उनको, पर आप जानते हैं प्रभु जी, और क्या उनकी फीलिंग्स हैं प्रभु आप वो भी जानते हैं प्रभु। तो प्रभु जी आप बड़ी दया करें और अपने बड़ी मोहब्बत और प्रेम में प्रभु आप उनको छूइए, और जो भी अंदर उनको चोट लगी है या जो भी प्रभु जी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं या जो भी फैमिलीज में इश्यूज हैं प्रभु, जिससे वो रंजिश में है, दुख में है, पीड़ा में है, प्रभु आप दया करें प्रभु, हैव मर्सी प्रभु, और प्रभु अपना शालोम और अपनी शांति उनके दिल में भर दें प्रभु, ताकि प्रभु वो एहसास करें कि जब कोई नहीं है तो आप उनके साथ हैं प्रभु, और प्रभु आप अपना दया भरा हाथ उनके जीवन पे लाइए, और इनके इस दर्द में से, इस ब्रोकननेस में प्रभु आप उनको उभारें और निकालें, और एक आशा और उम्मीद दें, अपनी खुशी से इनको भर दें, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है और आपकी भी प्रार्थना सुनी है, और प्रभु आपके पर अपना हाथ लाएगा और आपको उन परेशानियों से, उन दुखों से, उन हर्ट से आपको हील करेगा और निकालेगा। Yes, indeed, friends, our God is good. He is our helper, He is our provider, and वो हमें सिखाता है कि हम सही मायने में प्रेम कैसे करें। आइए देखते हैं कि इसी के बारे में परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, कितना अच्छा वचन है ना। इनफैक्ट फर्स्ट कुरिंथियंस चैप्टर 13 में हम प्रेम के अलग अलग पहलुओं को पढ़ते हैं, और बहुत अच्छा लगता है ये पढ़कर, और हम सब चाहते हैं कि लोग हमें इसी तरह प्रेम करें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे को ऐसे प्रेम करना है। दिस इज़ द वे वी हैव टू लव वन अनदर। दोस्तों, मैं भी सीख रही हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग। आइए हम मिलकर परमेश्वर से सीखें कि हमें कैसे प्रेम करना है। ही इज़ द सोर्स ऑफ लव, और ये वचन हमें बताता है कि लव नेवर फेल्स। तो अगर आज आप अपने रिश्तों में चैलेंजेस का सामना कर रही हैं, परमेश्वर से मदद पाएं, एंड लव विद द लव विद विच द लॉर्ड जीसस हैज लव्ड यू। इंडीड, मे गॉड हेल्प अस ऑल। कितनी खूबसूरत बात है कि मोहब्बत और प्रेम कभी नहीं हारता और कभी फेल नहीं होता। किसकी मोहब्बत, किसका प्रेम? परमेश्वर का। और वही हमने ललिता की लाइफ में देखा, और वही हमने पास्टर राजविंद्र से सीखा, और वही हमने पत्रस की जिंदगी से भी देखा, जब प्रभु ने उसको फिर भी पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। डू यू लव हिम? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? अगर उससे प्रेम करते हैं, गॉड विल इंडीड ब्लेस यू, एंड हिज लव विल ओवरफ्लो इनटू योर लाइफ। उसकी जो मोहब्बत और प्रेम है वो उमड़ेगी आपकी लाइफ से, और खुदा आपको बहुतायत से बरकत देगा, आशीष देगा, ताकि दूसरे भी जो घायल है, जो हर्ट, जिनको हर्ट है अंदर, यू मे बी अ पर्सन टू हेल्प देम, ब्रिंग देम आउट ऑफ देयर हर्ट्स। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और फ्रेंड्स, इस पूरे महीने हम लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हर एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आपने कुछ सीखा है, परमेश्वर के और नजदीक आप आए हैं, और ये महीने का अंत होने जा रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, इसमें भी हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। और दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कल है थर्सडे, कल पहचान कौन में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। सो डू जॉइन अस टुमारो, एंड अंटिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड लव्स यू एंड गॉड ब्लेस यू।